क्या आप बाहर गई थी? मुझे कुछ काम था। क्या दीदी कमरे में ही है? नहीं, वो मलिकी के साथ हॉस्पिटल गई हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया। मिसेस रिहान चाहेंगी तो खुद बता देंगी। ओ चलो, अब बात शुरू की है तो मुझे पूरी बताओ ना, पहले आ क्यों बुझा रही हो? मिसेस रिहान कुछ चक्कर आ रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? तो क्या मैं मौसी बनने वाली हूँ? नहीं 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 नहीं, अभी ये बात पक्की नहीं है। आपके अलावा और किसी को नहीं पता। मिसेस जावेदान अपने कमरे में सो रही हैं। उन्होंने कहा उन्हें सिरदर्द हो रहा है। ठीक है ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं मुंह बंद रखूंगी। तो वो नागिन दादी बनने वाली है? हाँ, मुझे तो जाकर उसे ही खबर देनी चाहिए। घर में बहुत शांति लग रही है, कहाँ गए हैं सब लोग? वो मिसेस रेहान और मलिके बाहर ताजी हवा खाने के लिए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि सब बाहर हैं। अब मैं आराम से एंजॉय कर सकूंगी। एंजॉय कीजिए। हाँ निगार, घर में ताजी हवा आने दो। उस बच्चे की बदबू पूरे घर में फैली हुई है। बहुत गंदी बदबू आती थी उस बच्चे से। पता नहीं कहां से ले आई थी उस गंदे से बच्चे को। हाँ मिसेस जावेदान। तुम अपनी हद पार कर रही हो गुलसुम। मेरे सामने ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। बदतमीज लड़की, मुझे परेशान मत करो और जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आपको जो चीजें पसंद नहीं वो हमेशा आपके पास आ जाती है। आपको तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे कि वो महक आपको पसंद नहीं जो एक बच्चे में से आती है। क्या अब हमारे घर में कोई और बच्चा भी आने वाला है? नहीं, गलत जवाब। ये बात तो बिल्कुल अलग ही है। इस समय आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप दादी बनने वाली हैं। रेहान दीदी और मलिके अभी हॉस्पिटल में हैं। वो अच्छी खबर लेकर लौटने ही वाली होंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होने वाली दादी। दीदी वो टेस्ट रिजल्ट कब बताएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया है।
चिंता मत करो, थोड़ी देर में कॉल कर लेंगे। मिसेस जावेदान, मलिके, क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना आपने? मुझे समझ नहीं आया। मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? हॉस्पिटल में हैं। रेहान का ब्लड टेस्ट करवाने आए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर वाले, इस लड़की से परेशान हो गई हूं मैं, अब उस बच्चे को कैसे बर्दाश्त करूंगी? वो दोनों इस मेंशन में अपनी जड़ें जमा लेंगे, फिर मैं क्या करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो सोच रही है कि बच्चा हो जाएगा तो वो इस घर में सेफ हो जाएगी। घटिया लड़की, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये बच्चा नहीं हो सकता। शांत हो जाओ,